जैन समुदाय के जैन मुनि की मौजूदगी में आज दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। राज प्रतिबोधक सरस्वती लबत प्रसाद राष्ट्र हित चिंतक आचार्य रत्न सुंदर सुरेश्वर जी महाराज साहब की मौजूदगी में आज वडोदरा के तक्ष और वंदन कुमार के लिए दीक्षा समारोह का आयोजन किया गया। दोनों की दीक्षा अंतर्गत वडोदरा में उनके संघ द्वारा आज ये उनकी इच्छा के मुताबिक जैनाचार्य रत्न सुंदर सुरेश्वर जी महाराज तथा उनके मौजूदगी में आज ये दीक्षा समारोह का आयोजन किया गया, जहां वे दूसरी बार वडोदरा में अप्रैल महीने में आगमन किया है। अलग अलग संघ में प्रवचन का आयोजन किया गया। आज बड़ी दीक्षा के बारे में विशेष जानकारी के भाग रूप जैन अग्रणी दीपक शाह ने विशेष जानकारी दी थी। अलकापुरी श्री संघ में राज प्रतिबोधक सरस्वती लब्ध प्रसाद जैनाचार्य आचार्य रत्न सुंदर सुरेश्वर जी महाराजा बीजी एप्रिले वडोदरा शहर में नगर में प्रवेश कर्यो। मुख्य कार्यक्रम आजनो वड़ी दीक्षा नो छे। अलग अलग संघों में गुरुदेव पधार्या, प्रवचन कर्या। गई काले भगवान महावीर नो जन्म कल्याणक महोत्सव उजवायो। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र भाई आचार्य रत्न सुंदर साहेब साहब मळ्या, शुभेच्छाओ पाठवी। आजनो मुख्य कार्यक्रम जे वडोदराना बे बाळको तक्ष जे हवे त्रैलोक्य सुंदर अने वंदन कुमार जे हवे विस्मय सुंदर महाराज साहेब ना नाम थी ओळखाय छे, एमनी दीक्षा सूरत खाते थई हती। परंतु एमना परिवार ने एवुं हतुं के अमारा संघमां पण दीक्षा थाय, तो दीक्षा थया पछी वड़ी दीक्षा एमां केटलाक विधानो होय छे, शास्त्रो केटलुं अध्ययन पठन करवानुं होय त्यार पछी गुरुदेव बराबर पात्रता लागे त्यारे वड़ी दीक्षा करे। आपणे सादी सरळ भाषामां एंगेजमेंट करिए ने पछी मैरेज करिए, ए बे वच्चे गाळो होय छे के भाई बधुं बराबर चाले छे, एम दीक्षा आप्या पछी बधुं बराबर चाले छे, एमने केटलाक श्लोको केटलाक स्वाध्याय करवा पड़े, आवुं बधुं पूर्ण करवुं पड़े, माळा करवी पड़े, जाप करवो पड़े, ए पूर्ण करे पछी एनी वड़ी दीक्षा थती होय छे। तो आजे अलकापुरी श्री संघनी अंदर भुवन भानु सुरेश्वरजी वाटिका जे डिमांड पाछळ एटले के सयाजीनगर गृहनी पाछळ आवेली छे, त्यां आगळ आ બે બાળકો અને સુરત અને રાંચી અને હિંમતનગર ના એમ થઈને કુલ ચાર બાળકોની આજે જે મુનિરાજ છે એમની આજે વડી દીક્ષા યોજવામાં આવી। વડી દીક્ષામાં કલીકુંડથી ખાસ કુમારપાળભાઈ બી શાહ અને જે પ્રવર સમિતિ બધા જ ગચ્છાધિપતિઓને ભેગા કરીને જે પ્રવર સમિતિ બનેલી છે એના જે શ્રાવક સમિતિ કહેવાય એના જે અમારા સેક્રેટરી છે ડોક્ટર સંજયભાઈ શાહ એ પણ સુરતથી ખાસ પધાર્યા છે। કાર્યક્રમ ખૂબ સુંદર ચાલ્યો અને ત્યારબાદ સંઘ સ્વામી વત્સે લઈ જાય જય જીનેન્દ્ર દીપક।